तो हम टीवी के पास जो बड़े ड्रामास हैं उनमें से सबसे बड़ा ड्रामा हम कहाँ के सच्चे थे, उसकी वजह यह है कि इसमें एक तो माहिरा खान की वापसी हो रही है, फिर ये उमैरा अहमद के नावल पर बेस्ड है जो काफ़ी सक्सेसफुल नावल था, फिर उसके बाद इसमें कुबरा खान भी हैं जो अलिफ के बाद अब आ रही हैं उस्मान मुख्तार, फिर स्टोरी काफ़ी कैप्टिवेटिंग है, तो इस वजह से ये ड्रामा इनका सबसे बड़ा ड्रामा है अब तक का, मतलब इस साल का। इसके अलावा लापता भी आ रहा है, परीजात आ चुका है जिसकी एक्सपेक्टेशन जिससे काफ़ी थी लेकिन टीआरपी के मामले में वो उतना पूरा ना उतर सका, लेकिन क्रिटिकली अक्लेम्ड है अभी तक वो, मतलब उसकी जो एपिसोड्स हैं उसको क्रिटिक्स ने काफ़ी अच्छे से प्रेज़ किया है। तो अब बात करते हैं हम कहाँ के सच्चे थे, तो इसकी पहली एपिसोड की रिलीज डेट एक या दो दिन पहले आ चुकी है, तो ये ड्रामा आपको अब से हर संडे के दिन शाम 8 बजे देखने को मिला करेगा। तो 1 अगस्त से ये ड्रामा स्टार्ट हो रहा है, तो संडे के दिन आखिर कब तक ये जो ड्रामा आता था इसे कहीं आगे पीछे कर दिया जाएगा और इस ड्रामे को लाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको पता है कि ARY के पास भी उस दिन कोई बड़ा ड्रामा नहीं है और ना जियो के पास है, तो ये लेकर आ रहे हैं ARY और जियो के मुकाबले में जब कोई भी नहीं है तो संडे को ले आ रहे हैं ये ड्रामा। अगर ये ड्रामा जुमे के दिन आता और जियो के खुदा और मोहब्बत से इनकी टक्कर होती तो फिर देखने का मज़ा आता कि मतलब TRP में या उस पर कौन आगे जाता है। अब जब कोई बड़ा ड्रामा ARY के पास या जियो के पास है ही नहीं संडे को, तो ऑब्वियसली इसकी TRP अच्छी आ जाएगी और फिर ये कह देंगे कि मायरा खान, क्योंकि इनकी फेवरेट है मायरा खान, तो ये कह देंगे कि मतलब मायरा खान का कमबैक हुआ, इतनी अच्छी TRP आ रही है। तो अगर लोगों के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं तो जाहिर बात है फिर वो यही देखेंगे। बहरहाल इस ड्रामे से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं कि इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी, हमें मतलब करेक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छे अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। तो कुबरा का नेगेटिव रोल है, फिर एंड पे मैंने क्योंकि नॉवल पढ़ा है तो मैं आपको मतलब स्पॉयलर्स देना नहीं चाहता, बाकी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बचपन की स्टोरी होगी 3 कज़नों की, फिर आगे मतलब एक सुसाइड भी आएगा और काफ़ी अच्छी स्टोरी जाने वाली है। अगर नॉवल की तरह इस ड्रामे को भी अच्छे से इसका स्क्रीन पर लिखा हुआ है तो ही, स्टोरी तो अच्छी है, स्क्रीन प्ले अगर अच्छा है तो और एग्जीक्यूशन अगर अच्छी है तो फिर ही देखने का मज़ा आएगा। बाकी कलरफुल है, प्रोडक्शन अच्छी खासी है, मतलब महंगा ड्रामा लग रहा है और एक्टर्स भी अच्छे हैं। बाकी जो ये देखा जाए अगर कि जो स्टोरी में करेक्टर्स थे ना नॉवल की, उनको ये करेक्टर जस्टिफाई नहीं कर पाया, मतलब फिज़िकली जो फिज़िकल अपेयरेंस है ना इनका, उनके मामले में ये करेक्टर सूटेबल नहीं है क्योंकि डार्क कलर का भी मसला आ रहा है, मतलब इनका नहीं है, इसके अलावा बाकी भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो बाकी आप मुझे बताएं कि आप इस ड्रामे का कितना वेट करें। 1 अगस्त को 8 बजे संडे के दिन ये आपको ड्रामा हम TV पर देखने को मिलेगा, तो मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि आप ये ड्रामा देखेंगे या नहीं देखेंगे या किसके लिए देखेंगे, और अगर नहीं देखेंगे तो क्यों नहीं देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।